दो दिन के बाद घर जा रहे हैं आप? अच्छी बात है, घर जाना चाहिए। बिछड़ के को पल तो हंसे, टुकड़ा टुकड़ा दिल के कोयला, टुकड़ा टुकड़ा दिल। है ना कि मेरे पास अभी पेमेंट भी नहीं है कुछ, वही के लिए कॉल किए रात में, बोले कि पैसा उसा एक भी नहीं भेजेंगे, सीधा तुम घर आओ, अब तुमको इंटर्नशिप नहीं करना है, डायरेक्ट कॉलेज जाओ। अचानक के सब खत्म भाई, कहता है सुन। आपको हमारा न्यू ब्लॉग वीडियो में गाइस, आप लोग बोलते थे कि नीतू पर प्रैंक करो प्रैंक करो प्रैंक करो, मेरे को कोई आइडिया नहीं, मैं उसको जा रहा हूँ बोलूँगा कि मेरे मम्मी ने कॉल की है कि मैं घर जा रहा हूँ, और उसमें जो होता है वीडियो वीडियो के बारे में बोलेंगे कि ऐसा ऐसा का बात है, जो कि अभी थोड़ा बोल दिए हैं उस पर, फेस पे थोड़ा सा सैडनेस आ गया है, तो फिर भी चलते हैं प्रैंक करते हैं। हालांकि सोचे थे दूसरा प्रैंक करेंगे, लेकिन वो ऐसा सेटअप नहीं बना क्योंकि कुछ लड़का नहीं आया, कैमरा भी नहीं है, फ़ोन से होगा कि नहीं होगा देखते हैं, और चलते हैं उससे प्रैंक करते हैं। तुम लोग बहुत बोलते हैं, चलो उसका फेस का रिएक्शन दिखाते हैं कैसा। गाइस आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि हम घर जा रहे हैं, जिसके आने से मुकम्मल हो गई थी जिंदगी। दो दिन बाद चलेंगे, अभी नहीं चलेंगे, अभी दो दिन रहेंगे उसके बाद चलेंगे, क्योंकि जो मेरा ड्रेस यार है उसको साफ करेंगे, आयरन करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। और आज नहीं, दो दिन और मिलेंगे नहीं तू से, उसके बाद पता नहीं फिर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। कैसा लग रहा है आपको? दस्तकें खुशियों ने दी थी, मिट गई थी हर। दो दिन के बाद घर जा रहे हैं। अच्छी बात है, घर जाना। पता है क्या बोल रही थी मम्मी वीडियो के बारे में? वीडियो ये सब जो काहे बना रहे हैं, तुम वहाँ पे इंटरसिप करने गया है कि क्या करने गया है? लड़की के साथ वीडियो डाल रहे हो, ये जा रहे हो, ये यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, बिखर जाए सपना टूट जाए अरमान हो। अब उनको समझना चाहिए बच्चे को, अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं समझ पाता है, वो उस दूसरे चीज़ के लिए फोर्स करता है कि तुम ये करो। भाई ये चीज़ कोई नहीं देखता कि बच्चे को इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसको अपने मर्जी का करवाना होता है। भाई तुम्हें जिंदगी भर नहीं रहना, उस चीज़ को तुम्हें ही करना है जिंदगी भर, चाहे कुछ भी कर रहे हो ना। हो सकता है तो माँ बाप की खुशी के लिए इंसान कर तो लेता है, लेकिन उसको वो करने का मन नहीं होता। लेकिन जब तुमको पता है ना कि मेरे पास अभी पेमेंट नहीं है, वही के लिए कॉल किए रात में, बोले कि पैसा उसा एक भी नहीं भेजेंगे, सीधा तुम घर आओ, अब तुमको इंटर्नशिप नहीं करना है, डायरेक्ट कॉलेज जाओ। हो सकता है तो उधर से हम कॉलेज है डायरेक्ट निकल जाएंगे, आने के लिए भी नहीं हो पाएगा। अच्छी बात है यार, पढ़ाई लिखाई मत छोड़ो, जो कर रहे हो करो। तो पढ़ाई लिखाई तोरे छोड़ा था, वो तो कर ही रहा हूँ। तुम्हें खुशी हो रही है मैं जा रहा हूँ? बहुत खुशी हो रही है, हंस रही है, तो रोए। मैं जहाँ चाहूँ ना आसमान जा। इनके फेस पे मुस्कान है और मैं जा रहा हूँ, मेरा रोने का मन कर रहा है, हंस रही है, ये हंस रही है। गाइस ये रोने लगी, क्या करूं, मम्मी बोल रही है तो मैं क्या करूं, तुम ही बताओ क्या करूं, तुम ही बताओ। एक तारा किस्मत दा, रो रही है तुम, रो मत यार, हम दोनों अच्छा दोस्त थे और रहेंगे, चले जाएंगे तो क्या होगा, कॉल पर बात होगा कभी कभी, तो रो क्यों रही है तुम? डूबे किनारे ते, वो तो भेज पे दिखाई दे रहा है। मम्मी बोली कि टिकट बना के भेज रहे हैं, सीधा ट्रेन पे बैठो आ चले आओ, मम्मी बना के भेजे। तुम रो क्यों रही है? मैं अपने तो रो क्यों रही है तू? तो मैंने बताऊं, तू मेरी फ्रेंड नहीं है,
फ्रेंड हो तो क्या हजार बार बताएगा? ये बात नहीं बताने लायक है, चुपचाप चले जाना। तुम रो क्यों रही है ये पहले बताओ, कैमरा खोल के क्यों रख रखा है? मैं इस पल को कैद कर रहा हूँ कि मेरे लिए भी कोई रो रही थी। तुम रो रही है, मेरे को भी रोना आ जाएगा। और तुम राधे, तुम उस अनन्य प्रेम की शिरोमणि हो। मत रो यार, रो नहीं, मैं टावल देने के लिए हूँ। मत रो, ये टावल वही टावल है ना? मेरा टावल ही है। मत रो मेरे यारा, मत रो मेरे यारा। आज तूने बरस नहीं की? नहीं। नाम दिखा तो। देखो गाइस, ये ब्रश नहीं करती है। देखो तुम्हारा नीतू ब्रश नहीं करती है गाइस। नहीं करता होगा, मैं तो रोज करती हूं। देखो इसका पीले पीले दांत, काले काले होठ। बारिश का मौसम हो चुका है और बारिश हो रही है थोड़ा थोड़ा, तो चलते हैं यहाँ से हम दोनों, फिर देखते हैं क्या क्या होता है। स्वागत है आपको हमारा न्यू बारिश के मौसम में। अगर आप लोग को भूख लगी हो तो भूखे रहिए, हमारे पास खाना नहीं है। अभी तक तो प्रैंक सक्सेसफुल रहा है, लेकिन बारिश होने लगा जिसके कारण हम शूट नहीं कर पाए। अभी चलते हैं थोड़ा सा और शूट करें। गाइस एक तो मैं जा रहा हूँ और ऊपर से ये डांट रही है मेरे को। ओए तू तो, मैं जा रहा हूँ ऊपर से तुम डांट रही है। तुमको नहीं पता तू मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है? तो बेस्ट फ्रेंड तो एक बार बता देना, ले जाऊँ तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो तब चलते हैं, कल मिला देना तुम अपना मम्मी से, क्योंकि तुम्हारी मम्मी बहुत स्वीट है, उससे मिल के उसके बाद चले जाएंगे, ठीक ना? अभी की क्या बोल रहे थे बोलो तो, कि जाना मेरे घर में चूहा का दवा है, मैं खा लूंगा। देखो गाइस कैमरा ऑन किया तो बंद कर लिया, वरना बहुत चूहा है ही नहीं तुम्हारे घर में। चूहा तुम खुद एक चूही से कम थोड़े हो। बस बताओ ना तुम्हें कैसा लग रहा मैं जा रहा हूँ? कैसा भी लग रहा तुम्हें? कैसा भी लग रहा? तुम तो उस समय रो रही थी। हाँ झूठ मत बोलो, सेम तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा मैं जा रहा हूँ। कैमरा में बोलने एक बार बोल। हाँ पड़ रहा है फर्क, उसका क्या मतलब? मुझे फर्क पड़ेगा तो तुम नहीं जाओगे? वैसे एक बात बताओ, अगर आपका कोई दोस्त है या कोई कुछ भी है, अगर वो आपको छोड़ के जाना चाहता है तो आप चाहे रो लो, मार लो, कट लो, कुछ भी कर लो, अगर उसको जाना होगा ना तो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका कहने से वो रुक जाएगा। तो ऐसे ही मतलब ऐसे ही कि जा रहा था मैं, मेरे कहने से तो नहीं रुक जाएगा। तो क्या करूँ, एक तरफ मम्मी पापा है, करियर है, एक तरफ उसको फैमिली को देखो, करियर के देखो, तुम ही बताओ भाई। तुम अपने फैमिली को देखो, करियर का ही बाहर में। गाइस वो समय आ गया है, मैं नहीं बता देता हूँ। एक बात बताऊँ, मारेगी नहीं ना? अगर गाइस ये मेरे पे प्रैंक कर रहा होगा तो कसम से मैं से बात नहीं करूंगी। तुमको मेरी कसम? नहीं, तुमको मेरी कसम, तुम बात करेगी? नहीं, रियली में ये प्रैंक ही था, मैं कहीं जा नहीं रहा। प्लीज तुम्हारा ही सब्सक्राइबर बोला था कि नीतू दीदी पर प्रैंक करो, नीतू दीदी पर प्रैंक करो, मेरा थोड़े था आइडिया ये। तो मेरा सब्सक्राइबर तुम्हें ये बोलेगा कि नीतू तू गलत करो तो तू गलत कर देगा मेरा? ऐसा नहीं बोलेगा तुम्हारा सब्सक्राइबर। बात मत करो आज के बाद। ओए 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 चल ना। गाइस तुम लोग के चक्कर में देखो मैंने प्रैंक किया और मेरे से गुस्सा हो गई, कोई बात नहीं इसको मनाते हैं। गाइस इतना गंदा प्रैंक मत दिया करो। बोलो तो एक बार वो बात चीज, मैं वहां से मुझे रुलाया। चलो गाइस इनको मना लेता हूँ, ये बहुत ही
इमोशनल उस समय आप देखे होंगे कि वीडियो में कि कितना रोने लगी है, बहुत ही इमोशनल हो गई। मैं ऐसा एक्टिंग किया, मैं एक्टिंग करने में थोड़ा सा कसर थोड़े से उठाऊ, इतना एक्टिंग करने लगा कि सही में जा रहा हूँ। इन्हें मनाता हूँ और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करो। कहता है सुन।